दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने किया 12 एटीएम लूट की वारदात को अंजाम देने वाले शकील नाम के बदमाश को गिरफ्तार, जिस पर 50,000 का इनाम घोषित था। दरअसल हाल ही में दिल्ली शहर में हुई एटीएम तोड़कर कैश निकालने की कुछ घटनाओं को देखते हुए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल इंस्पेक्टर शिव कुमार को इन वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए खुफिया जानकारी जुटाने का काम सौंपा गया था, जिसके बाद पुलिस की टीम के सदस्यों ने मिलकर इन वारदातों की जांच की तो पता चला कि एटीएम तोड़ने की इन वारदातों के पीछे मेवात गैंग का हाथ है, जिसके बाद गैंग सदस्यों की पहचान की गई। करीब 3 महीने की मेहनत के बाद शिव कुमार और उनकी टीम को ये जानकारी मिली कि 30 मार्च को एटीएम तोड़ने की वारदातों को अंजाम देने वाले गैंग का सक्रिय सदस्य शकील दिल्ली के मालवीय नगर स्थित खिड़की गांव के पास किसी वारदात को अंजाम देने के मकसद से रेकी करने शाम 5 से 6 बजे के बीच आने वाला है, जिसके बाद पुलिस ने जानकारी को डेवलप करते हुए एसीपी अत्तर सिंह की अगुवाई में इंस्पेक्टर शिव कुमार, इंस्पेक्टर कर्मवीर सिंह और इंस्पेक्टर पवन कुमार की टीम ने शकील को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाया। कुछ देर बाद पुलिस ने देखा कि शकील चिराग दिल्ली की तरफ से होते हुए आया और बस स्टैंड पर किसी का इंतजार करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने मौका देख उसे गिरफ्तार कर लिया। शकील के पास से 1 पिस्टल और 5 कारतूस बरामद हुए। पुलिस की पूछताछ में शकील ने बताया कि वो मेवात बेस्ड इंटरस्टेट गैंग का सक्रिय सदस्य है, जो कि दिल्ली शहर में एटीएम तोड़कर कैश निकालने की वारदात को अंजाम देता है। शकील की पूछताछ में पता चला कि पिछले 2 महीने में ये लोग 12 एटीएम लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं, जिनसे कुल करीब 1,35,00,000 रुपए मिले थे। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह मेवात के लुटेरों के गैंग का सदस्य है, जो एटीएम काटकर लूटपाट करते हैं। दिल्ली में हुई एटीएम लूट की 12 वारदातों में वह शामिल रहा है। यह वारदात बीते दिसंबर एवं जनवरी माह के दौरान अंजाम दी गई थी। वारदात से पहले आरोपी सीसीटीवी कैमरे पर काला रंग का स्प्रे कर देता था, इसके बाद एटीएम को कटर से काटकर उसकी कैश ट्रे निकाल लेता है। मैकेनिक होने के कारण शकील एटीएम काटने एवं कैश ट्रे निकालने में माहिर था। पुलिस के अनुसार यह गैंग सुनसान जगह पर लगे हुए एटीएम को ही निशाना बनाता था। इसके अलावा ऐसे एटीएम को निशाना बनाता था जहां सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं होता था। इस गैंग के सरगना लियाकत को बीते 3 फरवरी को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। वहीं इस गैंग से जुड़े शमशाद, वकील और राहुल उर्फ विपिन को भी गिरफ्तार कर चुकी थी। इनके अन्य साथियों की भी तलाश स्पेशल सेल कर रही है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।